ये लौंडे हैं पीछे नहीं उससे भी नीचे नहीं उससे भी नीचे हाँ वहीं पर ही ठीक है जिसका नाम है मंके फायर और इसमें तला अंजुमी है। तला अंजुमी है भाई, तला अंजुम आजकल मतलब जो है बहुत लिख रहा है, बहुत लिख रहा है और एकदम उर्दू रैप का किंग बादशाह। बिल्कुल मतलब सही बात है, जेन्युइनली वो बहुत अच्छे लिरिक्स लिखता है यार। और एक चीज और है कि मतलब जो भी इनका पिछला गाना था अफसाने, उस पर हमने रिएक्ट किया, आप वो भी जरूर वीडियो चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये रैप डेमन के साथ कर रहा है। अच्छा, पर मैं एक चीज मिस कर रहा हूँ इसमें यार, वीडियो नहीं यार, यूनिस। यार यूनिस का फ्लो तो एक नंबर यार गाने में, जैसे उसमें अफसाने में करा ना, इतना मेलोडियस रैप उसने करा, बहुत अच्छा लगा। चाहे वो किसी भी टाइप का फ्लो करे, कोई भी रखे, लेकिन उसका स्टाइल एक यूनिक है। यूनिस होता है, इनका ट्राय मुझे बड़ा पसंद है। तो चलो यार ये देखा जाए गाना है। रैप डेमन के साथ भी इनका अच्छा गाना, रैप डेमन से याद है यार, रैप डेमन के गानों की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट बहुत आई है। अब ये क्या है कि हम लोग अभी ये नया आया ना गाना, तो हम लोग सोच रहे थे नए गाने पे पहले रिएक्ट कर दे, अफसाना भी नया गाना था एंड ये भी नया गाना, तो हम सोच रहे इस पर पहले रिएक्ट कर ले, और रिक्वेस्ट जो है वो भी जल्दी सारी मंजर काशी की वीडियो बन चुकी है, बस अपलोड होनी बाकी है। तो काम सारे हो रहे हैं, इतनी वीडियो पड़ी रहती है ना, हमको एडिट करनी होती है, बहुत चीज होती है, देखना पड़ता है कौन सी डालें कौन सी ना डालें। तो सारी रिक्वेस्ट जो है उस पर वीडियो बनेगी, बस आपका एक ही काम है, हमको प्लीज आप ऐसी सपोर्ट करते रहो, आप जो भी आप रिक्वेस्ट जो भी आप सजेशन दोगे हम उस पर वीडियो बनाते चलेंगे। तो पहले तो भी यार जो है इसका गाना सुना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात में चलती है, ये मन के फायर नहीं मुंह के फायर है। अच्छा, हमने प्रोनाउंस गलत कर दिया, क्योंकि ये आठ आठ देख के मुझे लगा ना मुंह के फायर मतलब जुबान से निकली भी। अच्छा, वो तुझे बहुत ज्यादा कमेंट सेक्शन में भी बढ़ जाता। बिल्कुल बिल्कुल, मुंह के फायर। सच का है धज का है, बंद करें कान, कानों में खोलू मैं गन सरेआम, वहशत तारी है बान परेशान, सलाम जमहूरी या पाकिस्तान, तो को जो है आग लगी और खंभों के नीचे है लाश बिछी, कुत्ता या बिल्ली चक्का या किल्ली, टीवी पे कौम की आंखें टिकी, हाथ में लेके रिमोट देते हो फौज को गाली बाजी, पर फौज से आया जो रिश्ता फिर नच नच के क्यों देते हो बाजी। ये लाइन कितनी अच्छी थी कि टीवी का रिमोट हाथ में पकड़ के फौज को गाली देते हो लेकिन फौज से रिश्ता आता है। ये लोग बहुत मतलब इंडिया पाकिस्तान में बहुत होता है ना कि फौजी का या मतलब जो आर्मी में है डिफेंस में उनसे रिश्ता आता है घर पे, तो बहुत अच्छी बड़ी बात मानी जाती है। बड़ी बात मानी जाती है। हाँ, नाइस यार, नाइस। और इसका म्यूजिक बहुत वैसा फंकी फंक सा नहीं लग रहा थोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पर फौज से आया जो, तो बात सीरियस कर रहा है। हाँ, बात सीरियस कर रहा है। हां जी, मैंने सुना था कि भी हराम है, इस मुल्क में तो जीना हराम है। ए अरे अरे भाई, खाली बस में बता मैं कुछ पे हराम है, आपको सवाब क्यों मेरी जुबान है, आपको भला क्यों खुल के है कान में, मैं क्यों जवाब दूं तू में मेरे पान है, तू में तेरे आ भला क्यों भला क्यों, मैं इखलाक के दायरे में रहूं, सबका वदीन और कायदे में रहे, मैं खवातीन को हाय में पियूं, क्या बात है यार, मैं ना गाड़ी रूट से उतार दूं, बेसी में मैं किसी की ना फाड़ दूं, अच्छा आप में मिस्टर के भांजे आए आप ही मैं गांड पे स्टार दूं, आज एक को ट्रिक करी बैठ पे तेरे गानों पे दिख तेरी बैठ है, मैं रैपर हूं वो मेरे लैपर है, सोच क्यों मुझसे वो इतनी डायरेक्ट है, प्यार वाले बंदे रोज करेगी यस करने को मुझे फोर्स करेगी, क्या बात है, जान छोड़ पब्लिक जाके एक्सपोज करेगी, फेंको भी फेंको मुके फायर आते फ्री के, भाई क्या मस्त हो रहा है यार, मुके फायर आते फ्री के, लपेटो लपेटो ये चीज देखी नहीं उससे भी नीचे कहते हैं ना, तो उसमें ये जो वीडियो चल रही थी जैसे ये लिरिक्स जो लिखे हैं वो भी नीचे नीचे आ रहे थे, वो चीज बहुत एडिट बहुत अच्छी लगी थी मुझे। बिल्कुल, उससे भी नीचे नहीं उससे भी नीचे, अरे हाँ वहीं पे ठीक है, छोटा था मैं, टंकी से पेट्रोल सूंघता, 125 की टंकी से पेट्रोल सूंघता,
वैसे बोल रहा है इसने भाई, क्या लिरिक्स है यार ये भाई। तुम एक चीज देखो, बीट एकदम फंकी रैकेटन टाइप लग रही है, बिल्कुल और बातें एकदम सीरियस कर रहे हैं। ये शायद एक एक्सप्रेस करने का वो होगा ना कि बातें सीरियस करनी, थोड़े मजे में बातें, जैसे सार्केज्म या सटायर में बोलते हैं। अरे मैं तुमको बताता हूं, जो अभी रंजीत बाबा का गाना नहीं आया था पंजाब बोलता, तो वो क्या था, वो जैसे पंजाबी गाने बनते वैसे ही बनाया था, बट बातें बनाते सब बोल, बिल्कुल वो एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, तरीका है एग्जैक्टली। बिल्कुल यार, उससे भी नीचे अच्छा वही पे ठीक है। हाँ सब कुछ को दिया था इनके चेहरे पे, लेकिन रोल वन हेटर्स मेरे लोड़े पे छोड़े जो हो रहे हैं, अपनी ही गलती है, अपने कलेबों से सबकी ही हट रही है, ये भाई बनती है, ऐसी भाई बनती है, इनकी नहीं गलती के इनकी यूं फटती है। We go way way back just the dinosaurs, we the kind of all bunch of fucking carnivores, tragedies of these other many life man, put to ke khada main high zone ke mic pe, time hai abhi inko bahut time hai, abhi bahut chahiye shitton ki line hai, bhai main rule karta tu mix kar, el clasico high fuck ne hai fixtures, track to track, even on the back to back, we can fuck the rap, they're not ready for this movie, we should cut the flag, they're like meat meal and we're going back to back to back, panko be panko, hey, fire out the freak it. उससे भी नीचे हाँ वहीं पर ठीक है। ये नहीं पकड़े मैं भी भाई साहब, मजा आ गई यार, एकदम पार्टी वैंगर टाइप का म्यूजिक था और बातें कैसे रैप कितना बढ़िया करो, बिल्कुल बिल्कुल। और अर्जुन ने जो बात करी कि मैं जब छोटा था मैं मासूम था, बोलती बंद हो गई थी, स्कूल के बाद लड़ाइया हुई की हम छह थे वो छत्ते वही तो हम पहले मतलब मैं एक तरह से कूल बॉय हुआ करता, फिर हम बिगड़ गए, इसने पूरी बातें रख दी और बीट देख तू बीट इतनी खतरनाक यार। और एक और चीज जो गाने में अच्छी लगी, मीक मिल का रेफरेंस दिया था, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है रैप के, बहुत नाम है उनका, मतलब ब्रेक वे के साथ उनके कोलैब्स में वो गाने, मीक मिल मेरा पर्सनली फेवरेट है वो, तो उसका भी रेफरेंस दिया है, तो मतलब हर गाने में लोग रेफरेंस देते हैं वेस्ट का, हर वीडियो आप पिछले हमारी उठा के देख लो, चाहे ड्रेक का हो या ट्रैविस स्कॉट का पिछले अफसाने में था कि हाईएस्ट इन द रूम, तो हर उसमें रेफरेंस जरूर देते हैं। और भाई ये चीज बड़ी सही लगी यार कि जो तो हम लोगों ने बात अभी रखी ना कि बीट ऐसी और ऐसे जो बात सीरियस कर दी, वो मुझे बहुत सही लगा यार। जैसे हनी सिंह का गाना था ब्रिंग मी बैक, उसमें भी उसने बातें सारी अपनी करी कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे फेस करा मैंने, लेकिन उसमें म्यूजिक कितना अच्छा था वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, और इसकी थोड़ी म्यूजिक जैसी थी ना राज जशन जी जो गाना नहीं था जैस्मिन सैंडर्स के साथ, उसकी भी थोड़ी वैसी वाइब लगी थी मेरे, वो तो है यार। बाकी आप भी बताना आपको ये गाना कैसा लगा, हमको ये गाना इंसेंट लगा, बस एक चीज की कमी थी जो मैंने शुरू में बोला था, यूनिस, अगर यूनिस होता ना और अच्छा खतरनाक होता था। और ये गाना भी 4.5 मिनट का, पिछली वीडियो में भी हमने बात कर की ये लोग 4 मिनट से नीचे गाना नहीं बनाते, बिल्कुल ये तो चीज़ ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, लोग इंस्पायर्ड है ना यार मीक मिल से, जैसे बोला मीक मिल 5 मिनट का गाना बनाता है हर गाना अपना, यार डेमन ने जो क्या हुक गया था ना वो बहुत अच्छा था, नहीं उससे भी नीचे, उसके बाद फिर पकड़ ही पाए इतनी स्पीड में बोला था, ता 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 ता, वो जैसे फ्लो था ना, उसके साथ म्यूजिक भी वैसे ही राइज हो रहा था, मतलब टेम्पोस का। मैंने तो अभी पिछली वीडियो में जो बात नहीं करी थी प्रीतराज की, मुझे ऐसा लगता है ये पहले लिख लेते उसके बाद फिर म्यूजिक बनती है, क्योंकि ये क्या होता है जब म्यूजिक चेंज होता है ना, प्रोड्यूसर जो भी भाई म्यूजिक बनाता है वो तो एक तरह से बनाएगा ना यार,
एक रिदम में बनाता हूँ, फिर बाद में मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने बिग बर्ड का भी इंटरव्यू देखा है, तो बिग बर्ड ने ये बात बोली थी जैसे सिद्धू मूसेवाला है तो वो क्या होता है एक टेम्पो पे पहले रिकॉर्ड करा देता है गाना, उसके ऊपर फिर वो म्यूजिक बनाता है, तभी इतने एलिमेंट्स आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर अपने हिसाब से कहां तेज करना है, कहां स्लो करना है, कहां क्या ऐड करना है। ये हनी सिंह का भी यही प्रोसीजर है, जितने बड़े बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर है ज्यादातर यही करते हैं। काफी अच्छी चीज है। तो आप लोग भी बताना कैसा लगा गाना ये वाला मुंह के फायर। बिल्कुल, एंड जितनी भी रिक्वेस्ट है वो सारी की वीडियोस बन रही है, मंजर काशी की नेक्स्ट आपको होपफुली नेक्स्ट वही देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।